So we are going to discuss about permutations and combinations. So in permutations and combinations, there are two things. First is permutation and second in combination. Permutation का मतलब होता है arrangement of things. Arrangement of things. हम चीजों को arrange करते हैं, कितने तरीके से arrange कर सकते हैं, इन चीजों को find करने के लिए हम arrangement permutations apply करते हैं. And combinations का मतलब होता है सेलेक्शन ऑफ थिंग्स. सो दीज आर कॉल्ड परम्यूटेशन. अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को डिटेल में जानने से पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल के बारे में जानना है. दैट सिंबल इज कॉल्ड फैक्टोरियल. तो पहले मैं फैक्टोरियल के बारे में आपको बताऊंगा, उसके बाद वन बाय वन इस टॉपिक में हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है. सो सबसे पहले आप देखिए फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है. फैक्टोरियल को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. आइदर इस सिंबल से ऐसा रिप्रेजेंट करें या मैं कहता हूं एन फैक्टोरियल, इसको ऐसा रिप्रेजेंट करें. दोनों का मतलब फैक्टोरियल ही होता है. तो व्हाट डू मीन बाय द फैक्टोरियल? फैक्टोरियल का मतलब क्या है ये समझो. फैक्टोरियल का मतलब होता है यदि आप किसी भी नंबर्स का, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का फैक्टोरियल फाइंड कर रहे हो, तो उस नंबर को उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा कंसेक्यूटिव डिसेंडिंग नंबर को मल्टीप्लाई करना है अप टू वन. यदि मैं कहता हूं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 6 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड करो. सो व्हाट डज इट मीन? इट मींस यू हैव टू मल्टीप्लाई 6 विद 5, विद 4, विद 3, विद 2, विद 1. तो जिस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड कर रहे हो, बट फैक्टोरियल हमेशा पॉजिटिव इंटीजर का ही फाइंड कर सकते हैं. वी कैन नॉट फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर, वी कैन नॉट फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ फ्रैक्शनल नंबर, रैशनल नंबर. वी कैन फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ओनली पॉजिटिव इंटीजर. सो व्हेन वी आर फाइंडिंग द फैक्टोरियल, वी शुड मल्टीप्लाई दैट नंबर विद द कंजुकेटिव स्मॉलर नंबर्स अप टू वन. सो वी कैन से 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1. इफ यू मल्टीप्लाई इट विल बी 3 2 6 4 24 5 1 26 7 20. सो दिस इज द आंसर फॉर फैक्टोरियल 6. सिमिलरली इफ यू आर फाइंडिंग फैक्टोरियल 3, वी कैन से 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, इट इज 6. इफ यू आर फाइंडिंग फैक्टोरियल 5, यू कैन से 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, इट कैन बी 120. इफ वी आर फाइंडिंग फैक्टोरियल एन, इट कैन बी रिटन एन मल्टीप्लाई एन से छोटा एन माइनस वन, उससे एक और छोटा एन माइनस टू, उससे और एक छोटा एन माइनस थ्री, एंड सो ऑन अप टू वन. ये मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे 1 तक. तो इस तरह से हम किसी भी फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करते हैं और उसकी एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. आरी पसंद? फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है ये समझो. फैक्टोरियल का मतलब होता है कि आप उस नंबर को उससे छोटे 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 नंबर तक मल्टीप्लाई करते चले जाओ. ठीक है ना. अब यदि मैं बात करता हूं, यदि मैं फैक्टोरियल को एक छोटे फैक्टोरियल के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं 6 फैक्टोरियल की बात करता हूं, तो 6 फैक्टोरियल कैन बी रिटन है 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल. क्यों? देखो 5 फैक्टोरियल क्या है, 5 4 3 2 1. 6 फैक्टोरियल कैन ऑल्सो बी रिटन है 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल. मतलब आप जब डिसेंडिंग नंबर्स को मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हो, तो जहां पे जरूरत पड़े वहां फैक्टोरियल भी लगा सकते हो. या तो पूरा मल्टीप्लाई करो 1 तक, या बीच में जहां पे रुके हो वहां फैक्टोरियल लगा दो. या मैं 6 फैक्टोरियल को ऐसा भी लिख सकता हूँ, 6 चलते चले जा रहे हैं, एक छोटे नंबर तक जा रहे हैं और कहीं पर बीच में रुके फैक्टोरियल लगा दिया. ये सब का मतलब 6 फैक्टोरियल. ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार आपसे क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है और आपसे कहा जाता है कि बताइए सिंप्लीफाई करके क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि फैक्टोरियल 15 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 12 की वैल्यू क्या होगी. सिंपल है, आपको देखना इन दोनों बड़ा कौन है, 15 फैक्टोरियल. तो 15 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करो कहाँ तक, अप टू 12 फैक्टोरियल. आपको देखना है कि इन दोनों फैक्टोरियल में बड़ा कौन है, तो बड़े वाले को सबसे छोटे फैक्टोरियल तक एक्सपेंड करते चले जाना है. अब जब एक्सपेंड करोगे ये मिलेगा 15 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 फैक्टोरियल. ये 12 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और ये बन गया 15 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 13. इसको मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द एग्जैक्ट आंसर. इस तरह से जब भी आप किसी फैक्टोरियल के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे छोटे फैक्टोरियल तक लेके चले जाना है. फॉर एग्जाम्पल यदि मैं आपसे कहता हूं कि एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस टू फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करो, क्या लिखोगे? तो आप कहोगे एन मल्टीप्लाई एन माइनस वन मल्टीप्लाई एन माइनस टू फैक्टोरियल. जहां पे जरूरत पड़े फैक्टोरियल लगा दो. सो वी कैन कैंसिल फैक्टोरियल, सो आंसर विल बी एन मल्टीप्लाई एन माइनस वन. तो
जब भी आप किसी क्वेश्चन में फैक्टोरियल्स को सिंप्लीफाई कर रहे हो, आपको ऐसा करना है, ठीक है ना। अब इसी में कई कुछ कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। आपके असाइनमेंट में कई क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं एक कुछ बेसिक क्वेश्चन लेता हूँ। देखो, यदि मैं कहता हूँ कि इफ एक क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल, इफ 1/7 +1/8 इज इक्वल टू x/9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और यहां पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने कहा किसी भी क्वेश्चन में, केवल फ्रैक्शन में नहीं, किसी भी क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करते चले जाना। जो आप सारे फैक्टर को देखो, 7 फैक्टर 8 फैक्टर 9 फैक्टर, वी शुड एलिमिनेट द फैक्टोरियल। सबसे छोटा फैक्टोरियल क्या है, 7 फैक्टोरियल। तो सभी को 7 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड करो, सभी को 7 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड करो, ये हो जाएगा 1/7 +1/8 × 7 इज इक्वल टू x/9 × 8 × 7। आप यहाँ पर यदि यहाँ पर देखें 1/7 को आप कॉमन लें, तो 1 + 1/8 इज इक्वल टू x/72 × 7 फैक्टोरियल। हमारा ऑब्जेक्टिव था फैक्टोरियल को एलिमिनेट करना। नाउ वी एलिमिनेटेड द फैक्टोरियल, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इट विल बी 9/8 इज इक्वल टू x/72। सिंप्लीफाई करो, x कैन बी रिटन एज 9 × 72/8। तो आंसर क्या आ गया, 81। सो x की वैल्यू 81 आ गई। आई बात सुन, तो जब किसी क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू या कुछ भी सिंप्लीफिकेशन करना है, कुछ वेरिएबल फाइंड करना है, या जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले आप सभी फैक्टर को आइडेंटिफाई करो, देखो क्या क्या फैक्टर है उसमें, और उसमें सभी फैक्टर को सबसे छोटे फैक्टर तक एक्सपेंड करो और सिंप्लीफाई करो। अब इसी में कई बार क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जा सकता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, कि आप एक काम करिए, एलसीएम ऑफ फैक्टोरियल 5, फैक्टर 6 एंड फैक्टर 7 फाइंड करो। इन तीनों फैक्टर का एलसीएम फाइंड करो। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे फैक्टर 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टर 7, इनका हम एलसीएम फाइंड करेंगे। जब इनका एलसीएम फाइंड करेंगे, तो आप मुझे ये बताइए कि फैक्टोरियल 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 × फैक्टोरियल 5, इज इट करेक्ट? यस। 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 6 × फैक्टोरियल 5, है कि नहीं? तो ये आपके पास तीन टर्म, इन सभी में फैक्टोरियल 5 कॉमन है, इन सभी को आप फैक्टोरियल 5 से डिवाइड कर सकते हो। ये 1, 6, 7 × 6 आ रहा है, और अब इन सभी को आप 6 से डिवाइड करोगे। इसी तरह से तो आप एलसीएम फाइंड करते थे, एलसीएम फाइंड करने का तो तरीका है वही है। जब ये 1 आता है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमें एलसीएम मिलता है। सो एलसीएम विल बिकम फैक्टोरियल 5 × 6 × 7, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज फैक्टोरियल 7। ये फैक्टोरियल 7 मिल गया। सो आपने देखा हाउ टू फाइंड एलसीएम ऑफ फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। फैक्टोरियल का मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो भी फैक्टोरियल आपको फाइंड करना है, उस नंबर को उससे छोटा नंबर को मल्टीप्लाई करते चले जाना है। कहां तक मल्टीप्लाई करना है, अप टू 1। क्लियर? इस तरह से आप एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन, जो भी क्वेश्चन कर रहे हो सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है इसमें, एक्सेप्शन। हमने कहा आपसे कि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टर 2 की वैल्यू 2 होती है, फैक्टर 3 कैन बी रिटन एज 6, फैक्टर 4 कैन बी रिटन एज 24, फैक्टर 5 को आप लिख सकते हो 120। कैसे फाइंड कर रहे हैं, बस मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं। फैक्टर 6 जो बनेगा 720, फैक्टर 7 इस तरह से आप मल्टीप्लाई करते चलो, 0, 7, 2, 14, 49 + 55, 40। फैक्टर 8 की बात करें, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करते, 8 × 4 = 32, 3, 40,320 आता चला जाएगा इस तरह से। फैक्टर 9, फैक्टर 10, बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि फैक्टोरियल 0 की जो वैल्यू होती है 1 होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि 0 = 1 हो जाएगा। 1 भी फैक्टर 1 है, फैक्टर 0 भी 1 है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि 1 = 0 है, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बट फैक्टर 0 की वैल्यू 1 होती है। हाउ, कैसे, इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं, सुनो। हाउ कैन वी से दैट फैक्टर 0 = 1? मैं कहता हूँ कि यदि हमारे पास n फैक्टोरियल है, तो क्या n फैक्टोरियल को आप n − 1 फैक्टोरियल लिख सकते हो? इज इट करेक्ट? अभी हमने पढ़ा था n फैक्टोरियल को उससे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करें, जहां जरूरत पड़ा फैक्टोरियल लगा दें। आप इसको लिख सकते हो फैक्टोरियल n / n = फैक्टोरियल n − 1।
अब यहां पर आप यदि n की जगह पे 1 पुट करते हो, लेट n इज इक्वल टू 1, यदि आप ऐसा करते हो सो ये सभी n की जगह 1 आ जाएगा और ये बनेगा फैक्टर 1 डिवाइडेड पावर। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि यदि आप n को 1 पुट करते हो तो फैक्टर 0 बनता है और फैक्टर 1 क्या है 1, सो अल्टीमेटली वी कैन से फैक्टर 0 इज इक्वल टू 1। सो फैक्टर 0 की वैल्यू 1 होती है, एक एक्सेप्शन है, बाकी फैक्टोरियल तो हम सिर्फ नेचुरल नंबर का ही फाइंड कर सकते हैं। We can find the factorial of only natural number, but this is the exception. We can also find the factorial zero. And factorial zero equal to one. इसका application, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस chapter में आपको पड़ेगी। जब भी factorial zero मिलेगा, तो ये समझ लो ये one के equal है। Clear? So ये factorial के बारे में बात कर रहा था। अभी आपके assignment में जितने भी question factorial के ऊपर दिए हुए हैं, वो सारे question आप complete कर सकते हो। So now you can do question based on factorial. इसके बाद जो हमारा next topic है, वो है fundamental principle of counting. अब इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, मैं arrangement की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा था permutation का मतलब arrangement होता है, तो arrangement में हमारा जो first topic यहाँ पे आ रहा है, that is called fundamental principle of काउंटिंग। अब ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है, इस बात को समझने की कोशिश करो। व्हाट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग? मैं कहता हूं हमें कुछ चीजों को अरेंज करना है। पहले मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं। मैं कहता हूं कि हमारे पास 3 लेटर्स हैं, ए बी एंड सी। क्वेश्चन लिखा है इन हाउ मेनी वे वी कैन अरेंज ए बी एंड सी, ए बी सी को कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो। तो आप कहोगे इसको हम ए बी सी लिख सकते हैं, इसको हम ए सी भी लिख सकते हैं, इन हाउ मेनी वे वी कैन अरेंज ए बी सी, इसको हम बी ए सी लिख सकते हैं, इसको हम बी सी ए लिख सकते हैं, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज सी ए बी, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज सी बी ए। सो इन हाउ मेनी वे वी कैन अरेंज ए बी सी, वी कैन अरेंज बाई 6 वे। ए बी सी को हम 6 तरीके से, 6 वे से अरेंज कर सकते हैं। वी कैन अरेंज ए बी सी इन 6 पॉसिबल वे। समझ में आ रही बात? सो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एबीसी 6। बट यदि इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता ए बी सी डी ई को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, ए बी सी डी ई, तो यहाँ पे कितनी चीज होगी, 5। सो 5 थिंग्स को 5 प्लेस पे अरेंज करेंगे तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और यदि इसमें 10 थिंग्स आ गया तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बेसिक मेथड होता है जिसको हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहते हैं। वो मेथड ये कहता है कि जब इसी का अल्टरनेट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको 3 चीजों को 3 प्लेसेस पे अरेंज करना है। यू हैव टू अरेंज 3 थिंग्स इनटू 3 प्लेसेस। तो आपके पास ये 3 प्लेसेस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो आप सबसे पहले लिखोगे इन फर्स्ट प्लेस वी कैन सब्स्टिट्यूट, वी कैन टेक आइदर ए बी और सी, इन हाउ मेनी वे वी कैन फिल दिस प्लेस, दिस इज 3। इन हाउ मेनी वे वी कैन फिल दिस प्लेस, दैट इज 3। 3 तरीकों से हम इसको फिल कर सकते हैं। नाउ जब इन तीनों में से कोई भी एक यहां फिक्स हो गया, देन इन हाउ मेनी वे वी कैन फिल द सेकंड प्लेस, वी कैन से 2। वी कैन फिल द सेकंड प्लेस बाय एनी 2 वे एक्सेप्ट द थिंग्स फिल्ड इन द फर्स्ट प्लेस। नाउ जब आप फर्स्ट एंड सेकंड थिंग्स को फिल कर चुके हो, इन हाउ मेनी वे वी कैन फिल द थर्ड प्लेस, दिस इज कॉल्ड 1। क्योंकि 2 ये एबीसी में कोई भी 2 यहां पहले आ चुका है और वो दोबारा रिपीट नहीं होगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1। सो ये था इन हाउ मेनी वे वी कैन फिल दिस प्लेस, इन हाउ मेनी वे वी कैन फिल द फर्स्ट प्लेस, वी कैन टेक आइदर ए और बी और सी। बट जब हम सेकंड प्लेस पे जाएंगे तो जो भी थिंग्स इन तीनों में से कोई भी एक अल्फाबेट यहाँ पे आ चुका है, वो दोबारा नहीं आ सकता है। सो इस प्लेस के लिए हमारे पास सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी है, और इस प्लेस के लिए सिर्फ 1 ही पॉसिबिलिटी की 2 यहाँ फिल हो चुका है, और इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, और आंसर आ गया 6। आप इसको लिखोगे इस तरह से स्टेटमेंट में कि फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय एनी 3 वेज, 3 तरीके से फिल कर सकते हैं। सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय एनी 2 वेज एक्सेप्ट द लेटर फिक्स्ड ऑन द फर्स्ट प्लेस, लेटर फिक्स्ड ऑन
फिक्स्ड ऑन फर्स्ट प्लेस, ठीक है। पर इसी तरह से तीसरी लाइन लिखेंगे, पर अल्टीमेटली टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, तो ये होगा 3 × 2 × 6। इस तरह से आपको स्टेटमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर लिखना। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था इन हाउ मेनी वे वी कैन अरेंज ए बी एंड सी, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ वेज वी कैन अरेंज ए बी एंड सी। तो हमने कहा द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ए बी सी इज 6। जब भी आप चीजों को अरेंज करते हो वहां पे आपको ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। यहाँ पे बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वर्ड, कुछ कुछ लेटर्स दिए हैं और पूछा जाएगा कि कितने तरीके से अरेंज करके कितने वर्ड्स बना सकते हो, या कुछ डिजिट्स दिया हुआ है और वहां से पूछा जाएगा कितने नंबर्स बना सकते हो। ऐसे बहुत सारे तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया, फॉर एग्जाम्पल हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट विदाउट रेस्ट्रिक्शन करता हूं, पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इन डिजिट से कितने थ्री डिजिट नंबर बनाए जा सकते हैं। यहां पे दो तरह के क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन आएगा इफ फर्स्ट पार्ट रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड, मतलब जो डिजिट एक बार आ गया वो दोबारा नहीं आएगा। सेकंड पार्ट इसमें कहा जाता है रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड हो सकता है। तो मैं यहां पे दो क्वेश्चन को करूंगा। एक क्वेश्चन कहा जा रहा है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, फर्स्ट पार्ट को पहले देखते हैं, हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना है। वी हैव टू मेक अ थ्री डिजिट नंबर, थ्री डिजिट नंबर यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस एंड हंड्रेड प्लेस है। वी हैव टू मेक थ्री डिजिट नंबर, क्वेश्चन लिखा है हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म बाय अरेंजमेंट ऑफ दीज डिजिट्स, इन डिजिट्स को अरेंज करके थ्री डिजिट के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, जबकि एक डिजिट जो आगे दोबारा नहीं आएगा। सिंपल है, हंड्रेड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय एनी सिक्स वे, आइदर 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6। बट जब आप टेंस प्लेस पे जाओगे तो टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय एनी 5 digit, जबकि जो डिजिट यहां आ चुका है दोबारा नहीं है, रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो मान लो यहां पे आपने 6 पॉसिबल वे से फिल किया और यहां पे 5 आ गया, मान लो 5 आ गया, तो आप बचा क्या 1, 2, 3, 4, 6। सो हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, 5 डिजिट्स आर देयर। सो इन हाउ मेनी वे वी कैन फिल द टेंस प्लेस, दैट इज 5। तो 100 प्लेस पे एक डिजिट आ गया, टेंस पे एक डिजिट आ गया, 2 डिजिट आ गए, हाउ मेनी रिमेनिंग डिजिट्स आर देयर, 4। इन हाउ मेनी वे वी कैन फिल द यूनिट प्लेस, दिस इज 4। सो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट इज 6 × 5 × 4, टोटल नंबर फॉर्म इज इक्वल टू 120। हम 120 नंबर बना सकते हैं। बट ये तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था जिसमें रिपीटेशन नॉट अलाउड था। इसी क्वेश्चन में यदि मैं रिपीटेशन अलाउड की बात करता हूं, मैं कहता हूं कि रिपीटेशन अलाउड है, तब क्या होगा, देखो तब क्या होगा। सो फर्स्ट प्लेस 100 प्लेस कैन बी फिल्ड बाय एनी 6 पॉसिबल वे। अब जो डिजिट यहां पे आ चुका है दोबारा भी आ सकता है, क्यों, ये नंबर 223 भी हो सकता है, ये नंबर 334, ये नंबर 444 भी हो सकता है, ये नंबर 556 हो सकता है, नंबर 666 हो सकता है, ये नंबर 122 हो सकता है, मतलब रिपीट हो सकता है डिजिट। जबकि इसमें क्या था, ये 120 ऐसे नंबर थे जिसमें कोई भी डिजिट दोबारा नहीं आ रहा है। सो 123 डिजिट के नंबर इन डिजिट से बनाए जा सकते हैं जिसमें रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड है। रिपीटेशन अलाउड का मतलब जो डिजिट यहाँ पे आ चुका है सेकेंड प्लेस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सो सेकेंड प्लेस कैन ऑल्सो फिल्ड बाई 6 पॉसिबल वे। दो डिजिट आ चुका है दोबारा भी आ सकता है, एंड थर्ड प्लेस कैन ऑल्सो फिल्ड बाय एनी 6 पॉसिबल वे बिकॉज देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन दिस, रिपीटेशन अलॉट हो सकता है। अब यदि आप इनको मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा, 36 × 6, 36 × 6, 6 × 36, 3,
216, तो आपका जो आंसर आ गया ये आ गया 216। आई बात सुन, तो ये तो मैं अरेंजमेंट की बात करता, अरेंजमेंट के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं आपको कई रेस्ट्रिक्शन बताऊंगा, यदि इस प्लेस पे ऐसा रेस्ट्रिक्शन होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन होगा तो क्या होगा, तो कई सारे रेस्ट्रिक्शंस वाले क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। अभी फैक्टोरियल के ऊपर क्वेश्चन और विदाउट रेस्ट्रिक्शन वाले फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिटी के क्वेश्चन आप कर सकते हैं असाइनमेंट से, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करता हूँ कुछ और नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम रेस्ट्रिक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ओके।